सड़क पर नहीं दिखेंगे भिक्षुक। सीएम के निर्देश के बाद जागा प्रशासन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी थी हिदायत। शहर में नहीं दिखे भीख मांगता कोई बच्चा। कार्रवाई में सख्त नहीं दिखे अधिकारी। इंदौर में बाल भिक्षा प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कलेक्टर व अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि शहर में भिक्षा मांग रहे बच्चों की गैंग पर नकेल कसी जाए, साथ ही उन बच्चों को अभिरक्षा में लेकर उनके माता पिता को बुलाया जाए और बच्चों से भीख न मंगवाने की हिदायत दी जाए। इसके बाद कलेक्टर पी नरहरि ने महिला बाल विकास विभाग और चाइल्ड लाइन की टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके चलते आज टीम सड़कों पर निकली और मंदिरों के पास भीख मांग रहे बच्चों को पकड़ने की कोशिश की। टीम के साथ पुलिस के जवान भी थे, लेकिन प्रशासनिक टीम इस अभियान को लेकर सख्त नजर नहीं आई। टीम ने जवाहर मार्ग के पास शनि मंदिर के बाहर भिक्षा मांग रहे बच्चों पर कार्रवाई की, लेकिन बच्चे उनके चंगुल से भाग निकलने में सफल रहे। वहीं भिक्षा मांग रही महिलाएं भी प्रशासनिक अधिकारियों पर हावी दिखाई दी, जो अपने आप को कभी इन बच्चों की मां बताती तो कभी मना कर देती। दूसरी ओर व्यापारियों का कहना था, बच्चों की गैंग इस क्षेत्र में घूमती है और यहाँ बच्चे नशा भी करते हैं। इन बच्चों को भीख मांगने के लिए किराए पर बुलाए जाने के आरोप भी वहाँ मौजूद व्यापारियों और लोगों ने लगाए। देखो, जी भाई, देखने में ये आ रहा है यहाँ पर कई वर्षों से हम लोग व्यापारी हैं यहाँ पर, और ये बच्चों की बहुत बड़ी इनकी गैंग है, और ये बच्चों से स्पेशली इन लोगों को मेंटली प्रिपेयर करके इन लोगों से भीख मंगवाते हैं, और ये हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, हम लोग आंखों से देखते हैं कि ये लोग यहाँ बैठे बैठे नशा करते हैं, रुमाल में कुछ ऐसे नशा डालते हैं और रुमाल से सूंघते रहते हैं। हम लोग इनको समझाने का बड़ा प्रयास करते हैं, और ये हमारी मैडम जो गौरी तिवारी जो विशेष पुलिस अधिकारी है, अक्सर देखता हूँ ये इन लोगों को यहाँ पर आकर समझाती भी है, इनकी पूरी टीम आती है इनकी समझाती भी है, पर ये बच्चे इनके बिल्कुल जो इनके माता पिता है जो इनके पूरी इनकी जो गैंग है स्पेशली बहुत गलत तरीके से आपको क्या क्या परेशानियां होती हैं? इन लोगों को परेशानी ये रोड जाम कर देते हैं, ये आगे तक बढ़ जाते हैं और व्यापारी चारों तरफ दुकानों फैल जाते हैं, बहुत गंदगी करते हैं, और गंदगी करने के साथ साथ इन लोगों का बिल्कुल जो बिहेव है वो बहुत ठीक नहीं रहता है। टीम का ढीलमोल रवैया ही था जो आज हुई कार्रवाई में मात्र 7 बच्चे ही पकड़ में आए, जिन्हें अभिरक्षा में ले लिया गया है। हालांकि अधिकारी इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर आए। अभी जो है बच्चे लगभग अभी वर्तमान में 6 से 7 बच्चे अपन ने अभिरक्षा में लिए हैं। क्या किस तरह की कार्रवाई की गई और किस निर्देश पर कार्रवाई की? हाँ, ये हमारे कलेक्टर साहब के निर्देश पर और हमारे श्री संजय भारद्वाज सर है जिला महिला शक्तिकरण अधिकारी, उनके निर्देश पर जो है महिला बाल विकास और चाइल्ड लाइन, हमने जो विशेष किशोर पुलिस इकाई, एक एनजीओ और हमारे शौर्य दल के 2 मेंबर और इन सबको लेकर हमने कार्रवाई की है। सर, क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्यों ये लोग भीख मांगते हैं? सर, वो बच्चों से क्यों भीख मंगवाई जाती है, क्या कारण पीछे आया है? अब कुछ बच्चे जो माता पिता हैं वो काफी गरीब हैं, और कुछ बच्चों को तो उनको आदत लग गई जो बच्चे के माता पिता हैं, क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहते। ज्यादातर पिछली भी जो कार्रवाई है उनमें जो हमने जो सर्वे किया उसमें यही निकल के आया है कि 80% जो माता पिता है वो सक्षम है, लेकिन उनको आदत पड़ गई भीख मंगवाने की। सिर्फ 20% बच्चे हैं जिनके माता पिता गरीब हैं, तो उनको अपनी संस्थाओं के माध्यम से जो है एजुकेशन भी दिलाई जाएगी। शिक्षा विभाग के लिए जो है कलेक्टर साहब ने अभी जो है 21 तारीख को आदेश दिए थे, इस कार्रवाई में शिक्षा विभाग को भी शामिल करें, तो अगली जो भी नेक्स्ट कार्रवाई होगी इसी अगले हफ्ते उसमें शिक्षा विभाग को भी शामिल किया जाएगा, ताकि तुरंत जो है स्कूल से उसको जोड़ दिया जाए। पकड़ाए बच्चों के माता पिता से अब अधिकारी बात कर उन्हें हिदायत देंगे, और यदि इसके बाद भी बच्चे सड़क पर भिक्षा मांगते हुए देखे जाते हैं तो आरोपी माता पिता के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DLive News, इंदौर।